अब वो तो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। भैया भैया मैं आपको कॉफी बनाना सिखा रही हूँ, पता है आपको? मुझे ऐसा हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हैं वंशिका तोमर ब्लॉग्स, और आप देख भी रहे होंगे कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ, जैसे कि मेरे हाथ हो चुके हैं पेंट में। मैं पूरे पेंट पेंट हो रखा है, क्योंकि हमारे घर पे काम फैला पड़ा हुआ है, क्योंकि दिवाली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एक एक करके अभी घर का मतलब पेंट होगा, फिर सफाई होगी, फिर सब कुछ होगा। तो मैंने सोचा कि जो पेंट बच रहा था उसका क्यों ना यूज कर लिया जाए। तो ये गमले रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि इन पे ही पेंट कर लिया जाए। तो मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया करना, क्योंकि मैं वेली थी, मुझे कुछ मिल नहीं रहा था करने के लिए, तो मैंने ये कर दिया। पता है कल से मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब हो रही है, तो मैंने मतलब मेरा मन नहीं था कि मैं ब्लॉग बनाऊं, बट फिर भी मैंने बनाया, क्योंकि मैं डेली ब्लॉगिंग करती हूँ कि आप सब लोग मुझे अब कमेंट्स करके सारी चीजें बताते हैं, एक एक चीज अच्छे से। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मेरे को बनाना चाहिए, तो मैं ये काम कर रही हूँ। और जब ये देखो, मैं इसको इतनी मेहनत से पेंट कर रही हूँ, आप देखो कितनी फिनिशिंग के साथ। मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं पेंटर बन सकती हूँ। पर इसमें शायद पानी ज्यादा मिला दिया। वो पापा ने बोल दिया कि इस पेंट में पानी डाल ले, बहुत सारे गमलों पे हो जाएगा। वो ना थोड़ा बचत का काम बता रहे थे मेरे को, और मैंने टंकी खोल दी, ये ज्यादा हो गया, फिर मैंने इसमें पुट्टी मिला दी। अब जाके मतलब कलर कहीं खो गया, इसका रियल कलर ना गुम हो गया, गुम। ठीक है, तो अब हमने ये कर दिया है, अब हम इसको फटाक से करने मतलब कंप्लीट हो जाएंगे ना गमले, जब हम इनको डायरेक्शन में रख देंगे जहां पे हमको इनको रखना है। तो उसके बाद हम आपको लुक दिखाएंगे कैसा है। अभी सारा घर फैला पड़ा, कमल दिखाओ सारा घर कैसा हो रखा है। ये वॉल भी पेंट हुई है, ये वाली वॉल भी पेंट हुई है, बाहर सारे में पेंट हुआ है, और मतलब पूरा घर तहस नहस हो रखा है इस टाइम पे, तहस नहस हो रखा है। ठीक है, अब इसको सारे को मैं सारी क्लीनिंग करूंगी, मैं सफाई करूंगी इसकी, और मम्मी भी मतलब मम्मी की हेल्प करूंगी। मैं ज्यादा कुछ करती नहीं हूँ, मैं तो वेली हूँ, मैं तो बचती हूँ काम से, सारा तो वही करेंगी। मैं तो बस ये लेके बैठ गई ब्रश, अरे एक गमले पे लगी रहूंगी, तो उनको दिख रहा है कि मैं कुछ कर रही हूँ। बस उनको ये संतुष्टि मिलनी चाहिए कि मैं कुछ कर रही हूँ, बस शांति से बैठी ना हूँ। अगर उनको दिख जाता है ना मैं कुछ कर रही हूँ, तो वो सोचती है कि चलो कुछ तो कर रही है, मतलब फिर वो गुस्सा नहीं होती है। तो ये मेरी ट्रिक है, आप भी अपना सकते हो अपने। अगर आपकी मम्मी आपसे काम के लिए बोले या पापा काम के लिए बोले, एक काम पकड़ के बैठ जाओ, उसको लास्ट तक कंटिन्यूअसली करते रहो। तो गाइज मैं इसको दिखाऊंगी जब ये रेडी हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, सो गाइज आप देख सकते हैं मैंने पेंट कर दिया, एक गमले पे कंप्लीट हो चुका है, दूसरा गमला भी कंप्लीट हो चुका है, अभी सूख रहा है, सूख के बहुत प्यारा कलर आएगा। ठीक है, और मैं कर रहा था पेंट, और इन वाले भैया ने ना मेरा पेंट छीन लिया, वो जो उधर बैठे हुए हैं, उन्होंने देखो मेरी पेंट की बाल्टी ले ली। उन्होंने मुझे बताया भी नहीं था कि पेंट और भी होना है, और उन्होंने मेरा पेंट छीन लिया और अपने आप करने लग गए। भैया आपने अच्छा नहीं किया, मेरा पेंट ले लिया, मैं काम कर रही थी, आपने अच्छा नहीं किया बिल्कुल भी मेरे साथ। आप बचाओगे या सारा खत्म कर दोगे यहीं पे? हाँ नहीं होगा, पर इसका तो कलर चेंज हो गया है, फिर क्या होगा अब ये तो फिर सूख के तो और भी ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। अच्छा भैया आपने इसका कोर्स किया है? पेंटिंग का क्या होता है फिर, कैसे सीखता है इसको कैसे? कैसे सीख गए थे बताइए, मैं भी सीखना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है पेंट करना। अब वो तो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। भैया भैया कहाँ से सीखा था बताइए, कहाँ पे? दिल्ली में? ऐसे खुद से ही करते करते आ गया? अच्छा, दोस्त के साथ से आके आपने पेंट करना सीख लिया। ठीक है भैया, मेरे को आगे साथ, अब आप कहीं और ठेका लोगे मुझे भी लेके चलना, मैं भी करा करूंगी ऐसे। ब्रश कैसे पकड़ते हैं, ऐसे या ऐसे? यहां से पकड़ते हैं, यहां से ऐसे, तो ऐसे ऐसे करते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे धार ऐसे बनाते हैं। ठीक है, और ये जो पुरुष होते हैं इनका क्या सीन होता है, बड़ा छोटा इनसे क्या क्या होता है, बड़े से कैसा पेंट होता है? बड़े से दीवार होती है और छोटे से वो लोटी वगैरह की डिजाइन भरे जाते हैं। डिजाइन भरे जाते हैं, पर आपने तो यहाँ छोटे से किया है। यहाँ बड़ा चल नहीं रहा है।
अच्छा, इसलिए छोटा यूज किया आपने। ठीक है, थैंक यू भैया, आपने मेरी बक बक सुनी इसके लिए मुझे बहुत कुछ बताया। तो गाइज मैंने पेंट करना सीख लिया है, मैंने एक दिन में कोर्स कर लिया है पेंटिंग का। ठीक है, सो पेंटिंग का आप कर सकते हैं, आप हो इतने टैलेंटेड, बट मैं हूँ, मैंने भैया से सारी चीज डिटेल में ले ली, बड़े ब्रश का यूज क्या होता है, छोटे ब्रश का क्या यूज होता है, और मैंने सब कुछ सीख लिया है। ठीक है, और मैं कल जब ये सब कुछ तैयार हो जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। ये भी तो बहुत सारे गमले, इतने यहाँ पे, इतने ही ऊपर है हमारे टॉप पे, तो सारे कलर करने हैं, फिर हम इनको अपने स्टेयर्स पे रखेंगे वन बाय वन बाय वन। ठीक है, हाँ बचा हुआ है ना इसमें भी कलर, आपको अब तो कहीं नहीं यूज करना, अब भैया ने मेरा कलर लौटा दिया है तो मैं अपने काम में लग जाती हूँ। ठीक है, सो गाइज मैंने पेंट कर दिया है, तीन गमलों पे मेरा पेंट हो चुका है, और ये तुलसा माँ लगी हुई है इस वाले गमले में। पापा जी, तुलसा जी की पूजा क्यों की जाती है हमारे धर्म में? तुलसा जी की क्यों पूजा की जाती है हमारे धर्म में? बेटे हिंदू धर्म और परंपरा के हिसाब से ये धार्मिक पूजा है। अच्छा, और ये तुलसा जी कौन थी? तुलसा जी कौन थी? तुलसा जी विष्णु पत्नी तुलसा। और शिव शंकर जी क्यों रखे जाते हैं गमले के अंदर? शंकर, हाँ ये जो शिवलिंग है इस टाइप का है, हाँ, नागे क्यों रखा जाता है? है ना, तुलसा को पानी देते हैं, हमें तो शिव जी को पानी देते हैं साथ साथ। इसके पीछे कोई रीजन नहीं है? हाँ रीजन है, धार्मिक रीजन होते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है इनको पता नहीं है, मुझे पता ही पर इनको पता नहीं है। ठीक है, इनको श्राप दिया था कुछ इस टाइप का, मतलब कुछ हो गया था, मतलब मैंने पढ़ा था एक बुक में ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, तो तब से इनको श्राप मिला था कि आपको मेरे चरणों में रख के, मतलब इस टाइप से कुछ था ना, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट लाइटली नॉलेज है मुझे इस चीज की, कुछ ऐसा था। तो अगर आप लोगों को पता है तो आप मुझे प्लीज कमेंट में बताना कि ऐसा क्यों किया जाता है, अगर आपके यहाँ पे भी किया जाता है तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि मेरे को डीप नहीं पता है इस बारे में, बट बहुत लाइटली लाइटली पता था, तो वही मैंने बस बता दिया ऐसे ही। अगर ऐसा नहीं है, गलत बोल रही हूँ, तो भी आप मेरे को कमेंट करके बताना, सो मुझे प्लीज बताना। धुल के रखने पड़ेंगे, मतलब आप मुझे काम बता के धुल के रखना पड़ेगा। ठीक है भैया, ठीक है भैया, अब मैं जाके जल्दी से हैंड वॉश करके अपने लिए कॉफी बनाऊंगी। दोबारा से कुछ कह रहा है, सुन ले अब। यार मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या कह रहा है भाई? मैं देख बाहर आने की कोशिश। अरे इको, ये भी है एक मेंबर। हाँ, क्या देख रहा, बहुत खतरनाक है। चलो बस अब मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ फटाक से, मैं थक चुकी हूँ। और आप ये देख रहे होंगे मेरे कपड़े यही पहन रखे हैं जो कल पहन रहे हो, तो क्योंकि मैं नहाई नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को फीवर हो रहा है। सो गाइज अब मैं कॉफी बनाऊंगी, वो भी आपको खाती हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया गैस पे, गैस भी ऑन कर दी है, क्योंकि ऑन करे बिना तो गर्म होगा नहीं ना, सिंपल सी बात है। दूध रख दिया मैंने आधा कप, मैं थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड ऑन करूंगी, क्योंकि मेरे को ज्यादा दूध वाली कॉफी अच्छी नहीं लगती है, और फिर मैं आपको पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगी कि मैं कॉफी कैसे कैसे बनाती हूँ। ठीक है, सो गाइज दूध उबल चुका है पूरा, देखो निकल रहा है बाहर, देखो बाहर आ रहा है, इसको कम कर देते हैं, फिर एक बार और ऑन करते हैं गैस को थोड़ा सा ज्यादा, फिर बंद थोड़ा कम कर देते हैं, देन आप बंद कर देते हैं। मैंने कप ले लिया है, कॉफी का एक पाउच ले लिया है, और चीनी ले ली है, क्योंकि मेरी ब्राउन शुगर खत्म हो चुकी है, तो मुझे आज व्हाइट शुगर ही डालना पड़ेगा। स्पून लेके आती हूँ, स्पून 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 ये रखे, ठीक है, वन स्पून शुगर। मैं आपको कॉफी बनाना सिखा रही हूँ, पता है आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कॉफी बनानी आती नहीं है, तो मैं आपको सिखा दूं। अगर आपसे हाथ से ना खुले तो आप मुंह का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद ही पीने वाले हो, क्या हो गया है ना, ऐसा तो कर ही लेते हैं। मैं आपको पहले ही पता है मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ कुकिंग के मामले में। सो गाइस ये गर्म हो चुका है दूध, अब ये जाएगा कॉफी के अंदर लाइट सा, थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे पेस्ट को, मेरे पास कॉफी मशीन भी है बट मैं यूज नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे को फिर उसके ज्यादा सा काम बढ़ जाता है, उसको निकालो फिर उसको कॉफी बनाओ फिर उसको धुल के रखो, इस करके
नहीं, फिर मैंने सोचा कि रहने देते हैं, ऐसे ही बना देते हैं, क्योंकि मेरे को ये तरीका बहुत टाइम से पसंद है और मुझे इससे कॉफी बनाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब मशीन नहीं थी, हॉस्टल में रहती थी, तो मैं ऐसी ही कॉफी बनाती थी हमेशा अपने लिए। ये हल्का सा जब इस टाइप का हो जाए, इसका कलर चेंज होने लग जाए, देन आप इसमें दूध डाल दीजिए। एंड फिर आप मिक्स कर दीजिए और आपकी कॉफी बनके रेडी हो जाती है। सो गाइज, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा, और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आप शेयर करोगे ज्यादा से ज्यादा, उतने ही मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज होंगे और उतना ही मैं अच्छा अच्छा कंटेंट आपको दे पाऊंगी। सो लव यू सो मच।